शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमारे जाने से पहले चिट्ठी ताऊजी को दीजिए। रुको। जी मालकिन। कितनी सिलवट है, स्त्री ठीक से नहीं किया वो नाराज होते हैं। अभी उन्हें देर हो रही है, अगली बार ध्यान रखना। ठीक है मालकिन। जाओ। कर दिया जो करना था, चलते हैं। तुम्हें बाजार छोड़ने के बाद हम भी निकल जाएंगे। नहीं, एक चीज का ध्यान रखना है कि ताऊजी बाजार ना पहुंच जाए। चलिए। क्या किया तुमने? चीनी डाली है इंजन में, इससे इंजन फंस जाएगा और गाड़ी आगे नहीं चलेगी। ताऊजी को बाहर जाने से रोकने का एक यही तरीका था हमारे पास। अगर चले भी गए तो क्या? हत्यारे के पास तो तुम्हारी फोटो है ना, तुमने उनकी फोटो से अपनी फोटो बदल दी है ना, उनको कोई खतरा नहीं है। ताऊजी हमको मरते हुए नहीं देख पाएंगे। हाँ हाँ, हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गाड़ी को कहाँ हो गया? हेलो, हमको लगी देर, गाड़ी हुई गई खराब, कोई साधन भी नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा समय लगेगा। रुको। लोग भानुजी खत पढ़ रहे हैं। तुम्हारी नजरों के सामने हमने अपना वादा पूरा किया। खाली कागज कौन हमारी जेब में डाल दिया? हद हो गई। रुको, एक आखिरी बार नेत्रा से बात कर लूं। लेकिन वो हमारा हमारे फोन से कर लो।
थैंक यू ताई जी। हेलो माँ, हम जानते हैं तुमने जो कुछ भी किया उसकी माफी नहीं है, लेकिन आप तो माँ है ना, और माँ तो सबको माफ कर देती है। अभी फिलहाल सिर्फ इतना कहेंगे कि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी। आप चलते हैं माँ, आप अपना ध्यान रखना। चलते हैं। आंधी जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला है। हमारे जाने के बाद ये फोन का रिकॉर्डिंग सुन लेना। शिवांश, अब इस कहानी का दुखद अंत होना है। तुम्हारे अम्मा ने ताऊजी को मनवाने के लिए हथियारे को पैसे दिए। हमारी मौत के बाद इस पतले की कहानी को यही खत्म कर देना शिवांश। अम्मा, अम्मा उस गुंडे को फोन कीजिए, रोकिए। ये हमको बताइए कहां भेजा आपने उस गुंडे को, हम खुद जाके रोकेंगे। अम्मा बताइए तो वो शर्मनी को मार देगा। तुम्हारे बाप के आत्मा को शांति तो मिलेगी और आपको, आपको शांति मिलेगी। अम्मा एक आप है और एक वो है जो बरसों की दुश्मनी खत्म करने के लिए खुद मरने जा रही है। आप हम सबके हाथ खून से रगड़ना चाहती है। आप समझे हम पूरी बात, वो हमको छोड़ने की बात नहीं कर रही थी, वो इस दुनिया से जाने की बात कर रही थी। माँ, आपको हमारे सर की कसम है, आप बताइए कि आपने कहाँ भेजा इसको। हम श्रवणी को नहीं मरने देंगे। आपको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं भगवान, हमारे परिवार का ध्यान रखना, संभाल लेना।
शिवान, शिवान, उठाइए। अच्छा है गोली, गोली बाजू को छूकर निकली है, सीने पर नहीं लगी। क्या करें? इनको पकड़े एक मिनट। चुवाल, चुवाल जाके खोलो, चुवाल, चुवाल, तुम ठीक हो? श्रावणी, श्रावणी, आप ठीक है ना? तो आपने कर दी है, आप क्यों आई थी यहाँ पे? सरासा बच्चे हो तुम, समझे? गोली सीधा तुम्हारे सीने पर लगती। सही कहा आपने, लेकिन हमारे नहीं, आपके सीने पर लगती। हाँ तो मर जाने देते हमें, कम से कम ये बदले की कहानी तो खत्म होती। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों, क्यों नहीं मर सकते हम? हाँ, तुम कहोगे तो हम उठेंगे, तुम कहोगे तो हम बैठेंगे, और अब हम अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते। हाँ, आप नहीं मर सकती अपनी मर्जी से। अरे कुछ भी बके जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे गोली चल गई, कैसे चल गई गोली? गोली चल गई? कहाँ हुआ, कहाँ गोली चल गई? सब ठीक है ना? दुल्हन को गोली लगी कि नहीं, वो हाथ में फोन भी नहीं उठा रहा है, कैसे पता करे? इस शुभ का भी पता नहीं लग रहा है। करिए ना, ये चोट कैसे? शिवांश सब ठीक है ना? और श्रवणी, श्रवणी कहाँ है? वो घर पर है ही नहीं। काम हो गया ना, जिसके लिए तुम हवेली पे आए थे। भैया, कौवे के बोलने से गाय को शराब नहीं लगता। शिबू, ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ शिबू, ये क्या हुआ तुझे? अम्मा हम ठीक है, और श्रवणी भी। जानते थे ना इस गोलीबारी के बारे में? हाँ, हम जानते थे इस गोलीबारी के बारे में। इस गोलीबारी के पीछे हमारे परिवार का ही कोई है, आपको मारने के लिए। का? हाँ, लेकिन आपकी जो ये बेटी है ना शरवनी, इसने सब बदल दिया। मरने जा रही थी ये, ताकि आप बच सके। और इन दोनों परिवारों की बरसों की दुश्मनी मिट सके। बस एक बार बता दो किसका काम था ये, बस एक बार। इसी का काम होगा बाबा,
और कौन होएगा? तब से हमारी जान के पीछे पड़े हैं, इससे तो हम बंटी। शिवांश ने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उसकी वजह से तो आज हमारी जान बची है। क्या हो कह रहा है? हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। तुमको जब इतना प्यार है हमसे तो उसको छोड़ी काहे नहीं, हमें बताया काहे नहीं? ताऊ जी, आपके सारे सवालों का जवाब आपकी जेब में रखी पर्ची में है ताऊ जी। हाँ, मेरे पास पर्ची है, लेकिन ये खाली है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। खाली पर्ची? हमने भी किस पर भरोसा किया? अब हम आपको खुद ही बता देते हैं ताऊ जी। ताई जी ने हमें जबान दी थी कि वो अपना सारा किया धरा एक चिट्ठी में लिखकर आपको बता देंगी। क्या क्या बताना था? ताऊ जी, हम आपके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहते थे, किंतु ताई जी ने हमें मजबूर किया। ये पूरी शादी के धोखे का जाल उन्होंने बुना था शुरुआत से। तुमने हमें बताया कहीं नहीं? कैसे बताते ताऊ जी? एक मिनट, ये देखिए ताऊ जी, ताई जी के मंगलसूत्र में आपके पेसमेकर का चिप है। वो हमें डरा रही थी ताऊ जी। ताऊ जी को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आप चाहती क्या है? कि मुंह बंद रख अपना और जाकर चुपचाप मंदिर में शिवांश के साथ शादी कर। और अब भी ये अच्छी तरह जानती थी कि आपकी जान खतरे में, और आपके बदले हम मरने के लिए तैयार थे। हमने सोचा अगर दोनों परिवारों की शांति के लिए किसी एक की अर्थी उठनी है तो वो हमारी अर्थी हो। लेकिन अब हम नहीं डरते ताऊ जी, क्योंकि इनका मंगलसूत्र अब हमारे पास है। अब हमारे ताऊ जी को कुछ नहीं हो सकता। इस हवेली में और शरवनी की जिंदगी में लाने वाली हमें यही थी। इन्होंने हमसे वादा किया था कि हमारे पापा की मौत का बदला लेने में ये हमारी मदद करेंगी, लेकिन दरअसल इनको शरवनी को बर्बाद करना था, और ये बात हमें बहुत देर में समझ में आई। बकवास! तुम लोग कुछ भी बकवास करते रहोगे और हम सुनते रहेंगे। भानु जी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी नजरों में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। चुप हो जाओ तुम। अब सरवनी के सच ये झूठ के कोई मायने नहीं,
सच हमने अपनी आंखों के सामने देख ली। ये क्या है, क्या है? 12 साल पहले की बातें हम भूले नहीं है। श्रावणी की वजह से तुम इस घर में थी, हमने तुम्हें माफ कर दिया था, तुम इसी घर में रही। भानुजी, हमारे लेकिन अब नहीं होगा। भानुजी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। का काम जो था हम वो आज करेंगे। नहीं भानुजी, भानुजी हमारी बात सुनिए ना। निकलो बाहर। भानुजी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। भानुजी, हमें वहां से बाहर निकलो। बाहर निकलो। मंडी, तू तो विश्वास कर, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। बाहर चलो। नहीं नहीं भानुजी। मम्मी, हम कितने भी बुरे हो मानू जी, पर आपसे हमने अपने दिल से नहीं, अपनी आत्मा से प्यार किया था। 1 मिनट नहीं लगाया आपने हमें हमारे घर से बाहर निकालने के लिए। हमने पहले ही चांद, आग हम सूरज वाले रखते हैं। जहां भी रहेंगे ना, एक एक को जला कर रहेंगे। इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हुई थी? आप बोलते हैं हम खुद को तुम्हारा, और हम जी। नहीं तो जी, समझ गई, आप तुमसे बड़े हैं ना, हमारे पापा हैं आप, है ना? सॉरी। नहीं बंटी, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुमने तो हमें बचाने के लिए पता नहीं क्या नहीं किया। सबसे बड़ी माफी तो हमें मांगनी है। बड़की ठकराइन से बड़े दोषी तो हम हैं। बस बहुत हो गया, अब हम अपने घर चले जाएंगे। अब हमारी वजह से यहां किसी को तकलीफ नहीं होगी। शाबाश बेटा, शाबाश। बेटा हो तो ऐसा, इस लड़की के लिए तू अपने बाप की मौत भूल गया? अम्मा, ध्यान से देखिए इन सबको, इनमें से कौन जिम्मेदार है आपके बेटे की मौत का? देखिए और बताइए हमको। अम्मा, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि बंद कीजिए नफरत का ये खेल। किसी और को मारने से पापा की मौत का बदला पूरा नहीं होगा। होगा, पूरा होगा। इस घर से जब अर्थी निकलेगी तब तुम्हारे बाप के मौत का बदला पूरा होगा। बस अम्मा बस। जब शवनी ने उस गोली पर अपना नाम लिखा था ना, तभी इस बदले की आग ठंडी हो गई थी। अम्मा, हमारी खातिर सही, बंद कीजिए इस बदले के सिलसिले को, बंद कीजिए अम्मा। ठाकुर साहब, हम आपको आपकी बेटी लौटाते हैं। श्रवणी के साथ हमारी 2 बार शादी हुई, लेकिन दोनों बार में एक भी बार उसकी मर्जी नहीं थी।
अब हम अपने घर चलते हैं। माँ चलिए अपने घर चलते हैं। छुटकी हम चलते हैं। हम खुश रहना यहाँ पे। बंटी ध्यान रखना इसको, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हमारा भाग्य थोड़ा कम रह गया बिटिया, नहीं तो तू हमारी लक्ष्मी होगी। खुश रहना मां, चलिए चलते हैं। ध्यान रखना अपना। आपको दूसरों की तकलीफ मोल खरीदने का बहुत शौक है ना। जान निकल गई। ये लीजिए, थोड़े पैसे लाए, काम में आएंगे। लीजिए ना मम्मी। सॉरी मम्मी, उस वक्त हम कुछ नहीं बोल पाए। मम्मी मम्मी एक काम कीजिए, आप ना किसी आश्रम में चले जाइए, वही ठीक रहेगा आपके लिए। आश्रम चले जाते, लेकिन अगर हम चले गए तुमको वो नहीं मिलेगा। कौन? शिवांश। मम्मी सच सच में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, अगर मम्मी चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे थोड़ी ना मम्मी मान जाएगी। श्रवणी की पल पल की खबर देनी होगी, तब कुछ भी हो सकता। मंजूर है? कहाँ रख दिए? कल रात तो पढ़ाई कर रहे थे। हे भगवान, कहीं कहीं शिवांश के सामान के साथ तो नहीं चली गई?
शिबू, शिबू फोन बज रहा है तुम्हारा। इतनी रात में कौन है? इतनी रात गई किसका फोन है? माँ वो ऐसी दोस्त का फोन है। ठीक है दोस्त। हेलो शिवांश, सॉरी इतनी रात गए तुम्हें फोन किया। कोई बात नहीं बोलिए। वो हमारी बुक तुम्हारे पास रह गई है, एक बार चेक करना। हम देखते हैं, आप लाइन पे रहिए। किधर है? हेलो हाँ वो बुक है हमारे पास, हम भिजवा देंगे। नहीं 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 नहीं, अब हम खुद आके ले लेंगे। आप क्यों आएंगे? हम कह रहे हैं ना कि हम भिजवा देंगे। हमारा मतलब है हम कॉलेज उसी रास्ते से जाते हैं, तो हम आके ले लेंगे। अच्छा ओके बाय। सुनिए सुनिए एक बात बताओ यार, ये माजरा का चल रहा है। कौन सा माजरा? मैं यही कि कल चाची से आप झूठ का है बोले कि दोस्त का फोन था। हा? अरे 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 बात तो सुनिए अमरी, वैसे आप दोनों की जोड़ी ना बड़ी जोरदार लगती है। अबे तुम ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हो? और वैसे भी हम हवेली से निकलते वक्त सबको माफ करके आए थे, अब हमारे उसके बीच में कुछ नहीं है। और तुम्हें ना ये रोमांटिक फिल्में कम देखो, अब हम अपने घर के बेटे हैं, समझे? अरे भैया जी चल खा दिए बघाना गुप्ता जी के पास, तो बुलाए हमको, उनको काम के लिए कुछ कहा था हमने, और ऐसे कब तक घर में बड़े रहेंगे। क्या बात है भैया, भाभी ने आपको इंसान बना ही दिया। अरे अरे हमारी बात तो सुनिए, भूल गए का भाभी किताब लेने आने वाली है। अबे आएगी तो दे देंगे, वैसे हमें लगता नहीं वो लेने आएगी। अबे मजनू वो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, दूसरी किताब ले लेंगे, तू भी ना। पर हमको तो लगता है। आएगी जरूर। तुम कहा इतना दांत चियार रहे हो बे? बस ऐसे ही ऐसे ही। तुम्हारा आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है बेटा।